नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी SCI जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों पूरा फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाएंगे कि आवेदन कैसे करना है और कैसे अपना फॉर्म मिस्टेक फ्री भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें कि ये लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा। ये लिंक आपको मिलेगा sarkaririzult.com पे और साथ ही साथ मिलेगा rozgarrizult.com पे। गूगल पे जब भी आइएगा sarkaririzult के बाद .com जरूर चेक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं फॉर्म पे। तो बता दें इसकी जो फीस है वो जनरल OBC की 500 है, SC ST और फ्रीडम फाइटर वगैरह की 250 रुपये फीस रखी गई है। तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स दिए रखा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे टिक करते हैं और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। नेक्स्ट अपने पिता का नाम डालना है वो डाल देता हूँ। नेक्स्ट अपनी मदर नेम यानी माता का नाम डालना है वो डाल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है वो डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको अपनी जेंडर डालना है, यहाँ पे आईडी प्रूफ डालना है। आईडी प्रूफ में अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, DL जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे देता हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपका एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस डाल देते हैं। आपका जो आपका सब लोकलिटी है, मेन लोकलिटी है वो डाल देना है। आपको अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर देना है, स्टेट डाल देना है आपको अपना। नेक्स्ट आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, वर्किंग ईमेल आईडी डालिएगा क्योंकि उस पर कोड जाता है। मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहे तो दे दीजिए, नहीं तो आप उसको सिंपली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, बता दें पासवर्ड आपका 8 से 13 करेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें एक लोअर करेक्टर, एक आपका अपर करेक्टर, एक आपका स्पेशल करेक्टर और एक न्यूमेरिक होना चाहिए। यहाँ पे हम पासवर्ड को जो बना लेते हैं और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को डालने के बाद सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म का प्रीव्यू एक बार खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है। दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरा दिखाई दे रहा है सबमिट वाला। अगर आपको लगता है कुछ भी गलती है तो आपको एडिट करके पहले उसको सुधारना है। अगर लगता है सब कुछ सही है तो ब्लू वाले बटन सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी उस OTP को डाल देना है। और अगर आपके पास काफी देर तक OTP नहीं आती है तो यहाँ पे रिसेंट OTP का भी ऑप्शन है, उस पर आप जो है क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हो। तो दोस्तों हमारी OTP आ चुकी है, हमने OTP डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस खुल चुका है और अब आप हम देख सकते हैं डैशबोर्ड में दाखिल हो चुके हैं। डैशबोर्ड में हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन अभी दो प्रोसेस बचे हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट बचा है। तो उसको भी आगे करने के लिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर का बटन दिख रहा है जिसमें लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे प्रोसेस पे बढ़ते हैं। जैसे हम नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो अगला प्रोसेस है उसमें पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, अप्लाई फॉर डिटेल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, तमाम तरीके की जानकारी है। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं नाम, पिता का नाम, माता का नाम पहले से भरा हुआ है। यहाँ पे नेशनलिटी से पूछ रहा है, आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, कोई है डिसेबिलिटी तो नहीं है, क्या आप डायबिटिक तो नहीं है, फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, एक्स सर्विस मैन तो नहीं है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को आपको एज इट इज डाल देना है और यहाँ पे सबमिट करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे प्रोसेस में बढ़ना है। अगले प्रोसेस में वर्तमान पूछा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो अगर आधार कार्ड है आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आपको नो कर देना है और सबमिट करके आगे बढ़ना है। जैसे अगले प्रोसेस में पूछे बढ़ेंगे आप तो आपको पूछा है कि आपको जो पेपर है वो यहाँ पे मीडियम में कोई इंग्लिश है, यहाँ पे पूछा आपको कंप्यूटर नॉलेज है और जहाँ पे टाइपिंग पूछा है तो हम यहाँ तीनों पे यस कर देते हैं और अगर आपका किसी में नो है तो आप उसको अपना कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा दे रहा है, कैप्चा को डालने के बाद आपको देख सकते हैं हमारी सभी चीजें जो अपलोड की है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है।
और जो है वो सारी चीजें डॉक्टर को लोग गैलरी डॉक्टर को मिल जाएगी। ज्यादा बहुत ज्यादा है। अगर लेकर सकते हो तो मेरी बात है। तो मेरे के टीम को सर तो दीजिए। नमस्कार धन्यवाद।